हेलो अस्सलामुअलैकुम जी। तो की हाल चाल है आप सभी के? तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे एक फ्रेंड है, उनका बाइक है यामा R15 V3 वर्जन 3। तो जिसके ऊपर हमको एक वीडियो बनाना था, बट आज कुछ कंटेंट डिफरेंट है क्योंकि आज उसका हम एग्जॉस्ट चेंज करने वाले हैं। तो भाई उसका जो एग्जॉस्ट चेंज करके कौन सा एग्जॉस्ट लगाने वाले हैं? डेटोना का एग्जॉस्ट लगाने वाले हैं। देना ज़रा, ये देखो। तो ये है डेटोना कंपनी का ओरिजिनल एग्जॉस्ट जिसकी कॉस्टिंग है 17,000 रुपीज़। कहाँ से लिया? यामा से, कंपनी से। अच्छा, कंपनी से। तो ओरिजिनल कंपनी भाई। तो इसको चेंज करेंगे और प्रोसेस भी बताएंगे चेंज करने का। अभी जस्ट चेंज ही करने वाले हैं और शाम हो गई इसको खरीदते खरीदते भाई को। तो ये बाइक भाई की है। आजा भाई, भाई को भी कर दे इंट्रोड्यूस। तो भाई की बाइक है। तो कब से कितने टाइम पहले बाइक लिया आपने? 10 महीना हो गया। अच्छा, 10 महीने। तो तब से सोच रहे थे इसको चेंज कराना? हाँ, तब से सोच रहे। तो भाई चेंज कराएगा और अभी चलाएगा, तो हम आपको इसका आफ्टर साउंड भी सुनाएंगे कि कैसा हो गया डेटोना का। तो फिलहाल अभी लगाने वाले हैं और देखते हैं, आपको साउंड सुनाएंगे। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को। चलो चेंज करते हैं। तो अभी आप जस्ट देख रहे हो, इधर उसकी फेयरिंग सब खोली जा रही है क्योंकि जब फेयरिंग निकलेगा तो फिर हम डिटैच कर पाएंगे उस पुराने हमारे जो एग्जॉस्ट। तो ये देखो, इधर काम चालू है। और राहुल ये बता कि इस ऐसे स्पोर्ट्स बाइक के लिए कौन से एग्जॉस्ट बेस्ट होते हैं? आफ्टर मार्केट, आफ्टर मार्केट में जैसे लियोविंची हो गया, एक्राबाउट हो गया, यस जो दिखाया था वो, एंड डेटोना कंपनी का है सबसे बेस्ट, नो डाउट। तो बेसिकली यही चलता है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये तीन से चार ऑप्शन है आपके पास। तो अगर मैं मेरे ड्यूक के लिए अगर सोचूं तो कौन सा बेस्ट है? एक्रा। हाँ, कितने में हो जाएगा काम? बस उसके लिए बेंट पाइप वाइप भी वो सब बनवाना पड़ेगा, कैटली कन्वर्टर, बेंट पाइप, सब कुछ बनवाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा सर टोटल? टोटल हो जाएगा 12-15 हज़ार का खर्चा। मतलब अगर मैं सोचूँ अगर लगवाने का उसमें एग्जॉस्ट, तो मेरे को 15,000 का फटका पड़ेगा। यस, लेट्स सी। वैसे मेरे को ज़्यादा प्यार नहीं है ऐसे आवाज़ वाली बाइक से, बट क्योंकि अपना लॉन्ग करना रहेगा तब करने में प्रॉब्लम है। बस अभी देखो, अभी ऑलमोस्ट निकल गया। हेलो, ये अपना वर्जन 1-2 में नहीं लगेगा ना? इसका पाइप, बेंट पाइप, बेंट पाइप अलग। एक्साइटेड? वेरी मच। साउंड सुनने के लिए साउंड सुनने के लिए और चलाने के लिए। तो अभी काम हो रहा है, ये देखो काम 25 हो रहा है, अंधेरे में ही काम 25। और हाँ, टायर भी क्या सब चेंज किया भाई? KTM Duke 200 का लगाया था। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आज का वीडियो देख रहे हैं बुलेट सिंह बोईसर का। तो काफ़ी अच्छी बाइक लगी हमें, जो मॉडिफिकेशन थी तो किलर, एक नंबर। जब कभी भी इतने सारे इन्वॉल्व हो किसी काम में तो समझ लो बहुत इंटेंस काम चल रहा है। हाँ, तो राहुल भाई अभी क्या हो गया? अब सब कंप्लीट हो चुका है। ये देखो कंप्लीट हो गया और अभी मौका है आपका स्टार्ट करने का। स्टार्ट करिए और सुनाइए, खुद सुनिए और सुनाइए। रेस्ता
कैसा लगा राहुल? पावर माँ के सामने मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऑल क्रेडिट गोज टू अर्जुन भाई। अर्जुन भाई हाय कर दो। हाय। तो अर्जुन भाई यहाँ पे रहते हैं और बहुत सारी बाइक मॉडिफाई करते हैं। मे बी फ्यूचर में और भी बाइक दिखाने को मिले भाई अर्जुन भाई से। और अभी हम इसके टेस्ट राइड पे जा रहे हैं, देखते हैं अभी जस्ट फिटिंग हुआ है तो बिफोर तो सुनाया ही था अभी। आफ्टर का सुनाते हैं किस तरह से इसका साउंड आता है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मज़ा आया। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लाइट सही आ रहा है कि नहीं प्रॉपर? तो चश्मा लगा के एंड करते हैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और इसके साथ हम और भी वीडियोस बनाएंगे आई प्रॉमिस। और बस आज एग्जॉस्ट का था हमारे पास कंटेंट, तो हमने एक ब्लॉग दिखा दिया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय। फिलहाल एग्जॉस्ट लग चुका है और ये देखो ड्राइव ऑन है, सही से सब कुछ वर्क कर रहा है या नहीं। तो अभी हम भी चलाएंगे और हम भी टेस्ट करेंगे इसे।